What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn prepared statement in our PHP. जी हाँ guys, इस lecture में हम cover करेंगे prepared statement को, तो चलिए guys शुरू करते हैं. तो first of all guys, मैंने यहाँ पर एक जो है फॉर्म जो है मैंने क्रिएट किया हुआ है बूटस्ट्रैप में. ओके, तो इस चीज़ का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है बूटस्ट्रैप में, या सिंपल आप एचटीएमएल में भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फील्ड क्रिएट किया है और ये लेबल है हमारे पास, ये इनपुट फील्ड है, उसको नेम मैंने नेम दिया है और इसको एफ नेम कर लेते हैं. ओके ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है नेम, इसको मैंने ईमेल दिया है और इसको मैंने एड्रेस दिया है. ओके, और यहाँ पर जैसे कि इंटरव्यूअर एड्रेस हम कर लेते हैं, और एक और हम यहाँ पर करते हैं ऑटो कम्प्लीट ऑफ का, ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट है ऑफ, ठीक है, इसको हमने ऐड किया. इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. ओके, और इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बार बार हमें जो नीचे यानी कि इंटेलिजेंस शो होती है वो शो ना हो. ओके, अगर मैं सेव करूँ इसको तो, और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन किया हुआ अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको इस तरीके से शो हो रहा है फॉर्म. ओके, तो बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट जो है अब हमने बात करनी है कि प्रीपेड स्टेटमेंट की. तो पहले हम जो यूज़ कर रहे थे गाइज, वो हम यूज़ कर रहे सिंपल स्टेटमेंट्स को. ओके, यानी कि इंसर्ट, डिलीट करना, अपडेट करना, सेलेक्ट करना. तो ये जो प्रीपेड स्टेटमेंट है ये काफ़ी सिक्योर है. ओके, और एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे कि आप नाम सुनेंगे, ये उससे हम अच्छी खासी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है और ये बहुत पावरफुल है. ओके, अब थोड़ा स्लाइड पे आता हूँ. तो जो मेन प्रोसेस जो होते हैं गाइस, हमारे पास टू होते हैं, एक राइटिंग का होता है, एक रीडिंग का होता है. ओके, यानी अगर डेटाबेस में कोई डाटा हमने इंसर्ट करना होता है या अपडेट करना, डिलीट करना, तो हम राइट कर रहे होते हैं. ओके, अगर तो हमें इसको रीड करना होता है तो हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं. तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट को. ओके, बात करते हैं गाइस प्रीपेड स्टेटमेंट की. तो गाइज़ अगर थ्योरेटिकली आपको समझ ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन 100% छोटे गाइज़ जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आपको समझ आएगा अच्छे से. ओके, तो देखिए प्रीपेयर क्यूरी में क्या होता है. प्रीपेयर क्यूरी में ये होता है गाइज़, जब एक हमारा सबसे पहले क्यूरी का जो है वो टेम्पलेट प्रीपेयर होता है. जो टेम्पलेट होता है वो सेंड किया जाता है डेटाबेस को. ओके, सेकेंड स्टेप में गाइज़ क्या होता है, डेटाबेस उस टेम्पलेट के साथ क्या करती है, डेटाबेस पास करती है, कंपाइल करती है एंड परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन ऑन डैट क्यूरी टेम्पलेट. ओके, एंड सेव द रिजल्ट विद अनस्पेसिफाइड पैरामीटर. अब यहाँ गाइस स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड पैरामीटर. ओके, और लास्ट में क्या होता है, एग्जीक्यूट द क्यूरी. गाइस एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जब हम सिंपल जब हम पहले क्यूरी यूज़ कर रहे थे इंसर्ट अपडेट, तो उसमें ये गाइस थ्री स्टेप जो है ना बार बार रिपीट हो रहे थे. पहले प्रिपेयर होती थी, डेटाबेस पास करती थी, कंपाइल करती थी और फिर उसको एग्जीक्यूट करती थी. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो प्रिपेयर और ये डेटाबेस पार्सिंग वाला काम है ये एक मरतबा ही चलेगा, बार बार नहीं चलेगा, और सिर्फ एग्जीक्यूट वाला पार्ट बार बार चलता है. ओके, आपको समझ आ गया होगा इसका, ठीक है, यानी कि पहले से ही टेम्पलेट रेडी होता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन चलती है सिर्फ बार बार. ओके, तो ये है इसका बेनिफिट और ये बहुत फास्ट है. ओके, तो मैं आता हूँ यहाँ सबलाइन पे, और कनेक्शन को मैंने गाइस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की हुई है प्रीपेड _DB के नेम से. ओके, तो यहाँ हम अभी टेबल क्रिएट करेंगे. ओके, तो मैंने इसका यहाँ सारा कोड लिखा हुआ है, इसका आपको हाउ नो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बार बार करवाई हुई है. ओके, यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है mycode.php के नेम से. ओके, और इसको मैंने यहाँ पर देखें फॉर्म को मैथड दिया पोस्ट और एक्शन मैंने कराया mycode.php. ओके ओके, तो यहाँ पर जो है PHP का जो टैग है वो स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ डेटाबेस को, इंक्लूड जो मैंने कनेक्शन बनाया उसको मैंने इंक्लूड करना है, जैसे connection.php. ओके, यहाँ पर सेमी कॉलन सेव. अब मैंने डेटाबेस में आना है और यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेता हूँ. टेबल के लिए मुझे कितनी रोज़ चाहिए, स्टूडेंट के नेम से हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं. हमें चाहिए 4 कॉलम, ठीक है. अगर मैं गो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर अब हम डाटा इंसर्ट करें, जैसे कि फर्स्ट मुझे चाहिए आईडी. आईडी क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको. उसके बाद मुझे चाहिए नेम. ओके ओके, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ये वेयर केयर होगा. ओके, और 255 कर लेते हैं इसकी लेंथ जो है. ओके, यहाँ पर हम कर देते हैं ईमेल, और ये भी क्या होगा, वेयर केयर होगा. ओके, और इस तरीके से यहाँ पर 255 इसकी भी कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें चाहिए एड्रेस. ओके,
और ये क्या होगा, ये भी वेरकर हो, ओके। इसकी लेंथ क्या हो, 255 कर देते हैं, ओके। और आईडी को मैंने गाइस करना है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो जैसे क्लिक करूँगा तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स शो हो गया हमें, एक अलर्ट बॉक्स। इसमें क्या है हमारे पास के इंडेक्स नेम, ओके, इसको प्राइमरी कर देते हैं, गो पे क्लिक कर देना जस्ट आपने। इंजन हमारा इनोडीबी है, ओके, और इसको सेव करना है और हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये गोल्डन की आपको शो हो रही है, इसका मतलब ये प्राइमरी की बन चुकी है, टू टेप में आपको शो हो रहा है प्राइमरी, ओके। यहाँ पर आपको ग्रे शो हो रही है, ओके। तो अब अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो इस तरीके से आपने ये फोर फील्ड जो है वो क्रिएट कर ली हैं, ओके। तो अब यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं और ये इन PHP माई कोड पे ही हूँ मैं। अगर पहले जैसे हम करते थे वैसे ही अगर आपने डाटा को इंसर्ट करा तो आप कैसे करते थे, आप यहाँ पर पैरामीटर को स्पेसिफाइड करते थे, बताते थे मीन के, यहाँ देखें क्यूरी, ओके, और यहाँ पर आप लिखते थे इंसर्ट, ओके इंसर्ट, ओके इंसर्ट, ओके स्पेलिंग रॉन्ग स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पर जो है अब आपने टाइप करना है स्टूडेंट के जो भी कॉलम के नेम थे एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है, जैसे कि नेम आता था पहले, फिर ईमेल आता था, फिर एड्रेस आता था, ओके। तो आप इस तरीके से सीक्वेंस के साथ आप उसको टाइप करेंगे। नेक्स्ट ये है गाइज, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ आप फॉर्म से लेके आना चाहते हैं तो वो हम कैसे गेट करेंगे वो बताता हूँ आपको मैं। तो सिंपल आपने यहाँ पर लिखना है वैल्यूज़, ओके, और यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बनाया नहीं है डॉलर नेम कुछ भी, तो मैं एज इट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि डॉलर नेम, ओके। फिर हमारे पास आ जाएगा, ओके, इसको हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पर डॉलर नेम, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर, जैसे कि ईमेल था हमारे पास ईमेल, ओके, और ओके यहाँ पर इसको डॉलर ईमेल, डॉलर एड्रेस, ओके। अगर सेव करूँ उसको, सेमी कॉलर यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सेव। तो गैस आप यहाँ पर भी वैल्यू को साइन कर सकते हैं, ठीक है, या इन वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो वैल्यू गेट करेंगे वो हम गेट करेंगे फॉर्म से, ओके। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे कि डॉलर नेम, ठीक है, डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड को यूज़ किया, आपको दिखा दूँ यहाँ पर मेथड क्या है हमारा, पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेरी फील्ड का नेम है वो मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे कि मैंने लिखा था एफ नेम, ओके, अगर मैं चेक कर लूँ कि यही था, हाँ जी एफ नेम था, और उसका नेम क्या था, ईमेल था, ईमेल का जो फील्ड है उसका नेम क्या है, ईमेल है, और एड्रेस का जो फील्ड है उसका नेम क्या है, एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको नेम दिया, और इस तरीके से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे, जैसे कि आप मुझे चाहिए, ओके, तो यहाँ पर ओके हम कर देते हैं यहाँ पर जैसे कि ईमेल, ओके, क्योंकि हाँ जो एफ है इसको हम हटा देते हैं और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पर हम दोनों जगह टाइप करेंगे एड्रेस, ओके ओके। तो जो भी हम एड्रेस वहाँ टाइप करेंगे वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, और ये डेटाबेस में हमारा जो डाटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ MySQLi अंडर क्यूरी, और क्यूरी के अंदर जो हमारा कनेक्शन था, कनेक्शन स्टेटस मीन कि ये इस वेरिएबल को हम यहाँ टाइप करेंगे, ओके, और यहाँ पर जो है इसको मैं लिखता हूँ डॉलर, जैसे कि क्यूरी सिंपल, ठीक है, सेमी कॉलन सेव, और जैसे ही मैं इसको गाइस रिफ्रेश करूँगा तो डाटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे कि कुछ भी टाइप करना चाहूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ बिलाल, ओके, और यहाँ पर जैसे बिलाल @gmail.com, ओके, और यहाँ पर जैसे कि कुछ भी आ जाए लाहौर, ओके, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो डाटा मेरा जो है वो सबमिट हो गया है, ओके। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखिएगा डाटा जो है वो सबमिट हो गया है, ओके। तो देखिए bilal@gmail.com और लाहौर। तो ये तो था सिंपल जो हम पहले यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्रीपेयर को आपने यूज़ करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, ओके। बैक पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर दूँ, ओके, मीन कि अब ये जैसे कि ये हमारे सब वेरिएबल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो मैं इसी इंसर्ट को यूज़ करूँगा। अब प्रिपेयर को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एक हम वेरिएबल लेते हैं गेट ऑब्जेक्ट के नेम से, ओके, कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर MySQLi अंडरस्कोर प्रिपेयर के नेम से, अब ये हम प्रिपेयर वाला फंक्शन जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर सेमी कॉलन, और यहाँ पर जो है अब मैंने यूज़ करना है डॉलर
कनेक्शन स्टेटस और डॉलर क्यूरी, ठीक है ओके। तो ये जो प्रिपेयर क्यूरी में ये जो हमारा पार्ट है ये एक टाइम ही चलेगा, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा ओके ओके। तो नीचे आता हूँ मैं, और अब हमने यहाँ पर ये जो पैरामीटर हम यहाँ पास करते हैं, यहाँ पैरामीटर पास नहीं करेंगे, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क पास करेंगे, इनको हम लेबल भी और प्लेस टेकर भी गाइस हम बोल सकते हैं ओके ठीक है। तो सेव, अब इन पैरामीटर को बाइंड कैसे करना है, तो बाइंड करने के लिए या हम इसको इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं ठीक है, जैसे कि डॉलर गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ओके। और यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा, अगर तो मेरा ऑब्जेक्ट मुझे गेट हो जाए ठीक है, और एको सर नो ऑब्जेक्ट फाउंड ओके, सेव करता हूँ ओके। आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसका नेम गलत कर दूँगा तो ये स्टेटमेंट चलने वाली है ओके। और अब मुझे पैरामीटर को बाइंड करना है, तो उसके लिए भी गाइज हमें PHP ने एक बिल्ट इन फंक्शन जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि MySQLi SQLi ओके, SQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर बाइंड पैरम ओके। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा गेट ऑब्जेक्ट ओके ठीक है। और यहाँ पर गाइस जो पैरामीटर में है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, अब ये तीनों क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैं इसको डबल कोट या सिंगल कोट में टाइप कर सकता हूँ, जैसे SSS। अगर मेरे पास यहाँ पर एड्रेस की जगह ID आ जाता तो यहाँ पर होता I, क्योंकि ID यह होता है इंटीजर होता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाता तो हम D यूज़ करते ओके, तो यहाँ पर आप S आएगा ओके। और नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने यूज़ करना है जो भी वेरिएबल है, मीन कि ये जो वेरिएबल है डॉलर नेम, इसको मैंने टाइप करना है बाय सीक्वेंस के साथ ठीक है। नेम, नेम के बाद ईमेल है ठीक है, ईमेल है, उसके बाद क्या है हमारे पास एड्रेस है, तो आपने सीक्वेंस के साथ इसको यहाँ पर टाइप करना सेमी कॉलन से। तो इस तरीके से हम पैरामीटर को गाइस बाइंड करते होते हैं ओके। अब हमने बाइंड करने के बाद गाइस हमने इसको करना है एग्जीक्यूट ओके। तो एग्जीक्यूट करने का सिंपल मेथड है हमारे पास MySQLi अंडरस्कोर SQLi ओके, SQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ओके। और यहाँ पर आपने टाइप कर देना है जो ऑब्जेक्ट, ये जो वेरिएबल है, इसको गेट ऑब्जेक्ट ओके, इसको आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, सेव करना है। सिंपल इतना सा काम हमारे पास, और कुछ भी नहीं है ओके। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँ ओके, रिफ़्रेश, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि सना ओके, और सना @gmail.com ओके, और जैसे कि ये लाहौर ओके। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो डाटा हमारा सबमिट हो जाता है ओके। अब देखें, अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें सना और sana@gmail.com ओके, तो डाटा हमारा सबमिट हो चुका है ओके। अगर मैं यहाँ मैसेज कुछ टाइप कर दूँ, जैसे कि इसको मैं स्टोर करा देता हूँ रिजल्ट नेम के एक वेरिएबल में, रिजल्ट ओके, एक वेरिएबल है हमारे पास ये, और यहाँ मैं कंडीशन लगा दूँ ठीक है, ऐसे कंडीशन लगा दूँ यहाँ पर मैं इफ़ अगर डॉलर रिजल्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एको अगर, तो यानी कि क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई थी ठीक है, तो हमें फिर ये मैसेज आए, अगर नहीं हुई थी तो नीचे वाला मैसेज चले ओके। यहाँ पर इसको हम टाइप करेंगे, स्क्रिप्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट ओके स्क्रिप्ट, और इसकी जगह यहाँ इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा window.alert ओके। यहाँ पर आएगा विंडो और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट आएगा ठीक है, सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली ओके। इस तरीके से नीचे आता हूँ, यहाँ पर window.location.href, और यहाँ पर मैंने टाइप करना है index.php, यानी हम फिर से रीडायरेक्ट हो जाए किस पे, index.php पे ओके सेव। तो ये मैंने पहले कराया हुआ है ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ echo ओके, और ये लिखता हूँ जैसे कि सर no data insert ओके। अगर कोई एरर आता है तो डाटा हमें ये मैसेज है ओके।
अगर मैं यहाँ पर आऊँ दोबारा और यहाँ पर आऊँ, बैक भी आऊँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ, और अब यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे कि हम टाइप कर लेते हैं उमर, और यहाँ पर टाइप करते हैं उमर @gmail.com, और एड्रेस जो है लाहौर। ओके, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो हमें अलर्ट बॉक्स होगा, सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा रीडायरेक्ट हो जाता हूँ किस पे, हमारे index.php पे। ओके, और आप देखिए यहाँ पर डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि हम इस तरीके से इस पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर को बाइंड किया। ये स्टेप गाइज हमारा बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, और सिंपल ये एग्जीक्यूट होगा बार बार, ठीक है। ये एक दफ़ा ही टेम्पलेट रेडी हो गए, उसके बाद नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ इन वेरिएबल को कट करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, हमारा कोड गाइज लाइन बाई लाइन जो है चलता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर इसको करता हूँ, थोड़ा अलाइनमेंट सेट करता हूँ, सेव करता हूँ, और अब फिर से मैं कोई अगर यहाँ पर कोई रिजल्ट करता हूँ तो आप देखिएगा डाटा हमारा सबमिट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सलमान, ओके सलमान @gmail.com और लाहौर, ओके अगर मैं सबमिट कर दूँ यहाँ पर तो देखें सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, अब देखें मैं दोबारा रिडायरेक्ट हो गया हूँ इस पर, और यहाँ पर देखें ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो देखें सलमान। ओके, तो मेन के जो बार बार जो पोर्शन चलता है सिंपल ये वाला चलेगा, ये जो ऊपर वाला काम है ये एक टाइम ही चलेगा। ओके, तो इतना ज़बरदस्त है ये। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक फील्ड है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यूज़र नेम है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आईडी, ओके आईडी, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नेम आईडी आ जाएगा, और यहाँ पर इंटरव्यूअर आईडी, ओके, और इस तरीके से यहाँ पर ईमेल है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेम, ओके, जो भी नेम हमें अपडेट, हम नेम को अपडेट करना चाहते हैं या ईमेल को, तो आप जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि चलो मैं ईमेल को ही अपडेट कर लेता हूँ, ओके सेव, ओके, तो अब यहाँ पर इसको ई कैपिटल कर देते हैं सेव, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर ओके ऐसे करते हैं, PHP कोड में आता हूँ और यहाँ पर एडिटिंग करते हैं, आईडी आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने नेम दिया आईडी, ओके सेव, और मैंने ईमेल को अपडेट करना है, ठीक है, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। और अब मैं यहाँ पर जो क्यूरी मैं चेंज करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ लेट्स से जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपडेट किसको करना है, स्टूडेंट को करना है, ठीक है, और यहाँ पर सेट कर दो, ओके सेट कर दो, किसको सेट करना है, नेम को, ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके, और वेयर कंडीशन, ओके वेयर, यहाँ पर आईडी जो है वो क्या हो, आईडी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखिए हमारे पास दो पैरामीटर आए हैं, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, एस, पहला क्या है एस स्ट्रिंग है, दूसरा क्या है इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ईमेल, ओके, हमने ईमेल को अपडेट करना है, ठीक है, हम ईमेल को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो नेम है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आईडी हमारे पास, ठीक है, सेव, ओके, तो मैं आईडी दूंगा और उस आईडी का ईमेल को अपडेट कर लूँगा, ओके ओके। अगर मैं सेव करूँ और ये देखें अपडेट, हम इंसर्ट की जगह देते हैं, हम अपडेट सक्सेसफुली, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ पर जैसे लिखता हूँ मैंने करना है 1 को अपडेट, ओके, और यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखिए 1 पे क्या है, बिलाल @gmail.com, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ update@gmail.com, ओके। अगर मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर तो डाटा हमारा अपडेट हो जाता है, सर डाटा विल बी अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो देखें अपडेट, ईमेल हमारा अपडेट हो चुका है। इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है गाइज, हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है डिलीट के लिए यहाँ पर, तो मैं क्यूरी यूज़ करूँगा यहाँ पर, डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और वेयर यहाँ पे जो आईडी है, आईडी
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। और अब देखें सिर्फ हमारे पास एक पैरामीटर है आई, सिर्फ इंटीजर है हमारे पास, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ओके सेव। अब मुझे सिंपल आईडी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको मैं फील्ड को रिमूव कर दूँगा, यहाँ से सेव करता हूँ, ओके। तो बाकी कोड हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर करता हूँ सर डाटा विल बी डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, तो डाटा हम किसको डिलीट करते हैं, हम 4 को डिलीट करेंगे, ओके। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो ओके यहाँ पर हमें आईडी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर मैं 4 को यहाँ टाइप करूँ और यहाँ पर सबमिट करूँ, तो देखें सर डाटा विल बी डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर आता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो देखें डाटा जो हमारा डिलीट हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से गाइज हमें देखा कि हम प्रीपेड स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ओके। तो गाइज इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।